दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। गृह कर बढ़ाने को लेकर अर्की विकास मंच और स्थानीय लोग नगर पंचायत के खिलाफ उतर आए हैं। विकास मंच के प्रधान राकेश भारद्वाज ने बताया कि नगर पंचायत ने सभी स्थानीय लोगों को 300% से 800% तक किराया बढ़ाकर लोगों को नोटिस थमा दिए हैं। इस निर्णय के बाद जिस व्यक्ति ने पिछले साल 3,000 रूपए किराया जमा करवाया था, उसे इस साल 11,000 रूपए किराया जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लगभग 50 नगर पंचायतें हैं, लेकिन किसी भी नगर पंचायत में इतना किराया नहीं है। यह मापदंड सिर्फ नगर निगम का अपनाया गया है। उन्होंने मांग की है कि पुराने शेड्यूल के मुताबिक ही किराया लिया जाए, वरना मंच स्थानीय लोगों के साथ इस फैसले पर स्टे लेने के लिए बाध्य हो जाएगा। नगर पंचायत में हाउस टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है, यह निर्णय मेरे अध्यक्ष बनने से पहले लिया गया था। उस टाइम मैं और कुछ और सदस्य मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया है। अब लोगों को जब हाउस टैक्स के नोटिस दिए गए, तो लोगों ने हाउस टैक्स के प्रति आपत्ति नगर पंचायत से की है। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। किसी भी प्रस्ताव को तब तक निरस्त नहीं किया जाता जब तक लोगों की आपत्ति ना हो। पूर्व में किए गए प्रस्ताव को निरस्त किया जाएगा। इस मुद्दे पर बिना बात के राजनीति चमकाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। राजनीति जिसमें जो नगर पंचायत ने हाउस टैक्स बढ़ाया है, उसको लेकर के चर्चा हुई। सभी सदस्य उपस्थित थे और अर्की के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे हैं। सब में इस पर इस बात के लिए रोष है कि जिस प्रकार से अराजकतापूर्ण नगर पंचायत ने ये किराए बढ़ाए हैं और इसमें जो वृद्धि की गई है वो 300% से लेकर के 800% तक की गई है। जिस आदमी का 3,000 रुपया टैक्स आ रहा था, उसको 11,000 रुपये टैक्स किया गया है। 1,000 वाले का 4,000 रुपये टैक्स किया गया है। तो ये अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि नगर पंचायत ने ये जो बढ़ोतरी की है, इसका मापदंड क्या है। इतनी तो बढ़ोतरी कहीं नहीं हुई है। और सुनने में यह आया है कि इन्होंने जो नगर निगम शिमला है, और नगर निगम शिमला में भी जो कोर एरिया है, माल रोड का एरिया है, लोअर बाजार का एरिया है, उस एरिए को मापदंड बना करके उसी के हिसाब से इन्होंने किराया लगाया है। और खाली जगह के भी किराया लगा दिए, और कुछ मकानों का जो इन्होंने पैमाइश ज़्यादा करके रखी है। तो इन्होंने जो है अपनी सिर्फ आय बढ़ाने के लिए, ताकि नगर पंचायत के कर्मचारियों को तनख्वाहें मिलती रहें, इन्होंने ये जो है ये किराए में वृद्धि नहीं की है। ये एक लूट कसूट का सीधा साधा उदाहरण है। हिमाचल के अंदर 50 के लगभग जो है नगर पंचायतें हैं, किसी भी नगर पंचायत ने इतनी बढ़ोतरी नहीं की है। और प्रेजेंटली ये कोरोना काल में जिस समय इतनी आपदा आई हुई है, लोगों के पास जो है पैसा नहीं है, रोटी के लिए पैसा नहीं है, आमदनी बंद है, और उसमें ये 300, 600, 500, 700% वृद्धि करना, ये बहुत ही घृणात्मक और शर्मनाक है। अर्की विकास मंच इसका विरोध करता है, और हम चाहते हैं कि जो पुराना किराया है 18-19 और 19-20 जो पुराना किराया है, उसके मुताबिक जो है वो बिल दिए जाएँ। और 21-22 के लिए अगर इन्होंने कोई रिवाइज करना है, तो लोगों को उनकी सहमति लेकर के उसके बाद किया जाए। अदरवाइज हम अभी जो नगर पंचायत को भी लिख के देंगे, अगर ये समाधान नहीं करेंगे तो हम अदालती कार्रवाई करेंगे, और इनका जो ये निरंकुश आदेश है, इसको हम कोर्ट से स्टे करवाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अर्की से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है, और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।